हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल 21 कंपटीशन पर। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको मैंने कल एक क्लास प्रोवाइड की थी, उसमें मैंने एक नया चैप्टर चालू किया था, एरिया क्षेत्रफल, जो कि कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस। मैं आपको उसमें कुछ आकृतियाँ बताई थी मैंने, और उसमें आपको कुछ फार्मूले बताए थे। फार्मूला मैंने क्या क्या बताया था, पहला बताया था मैंने आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरा मैंने बताया था आयत का परिमाप क्या होता है, आप जानते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल मैंने बताया था भुजा स्क्वायर या 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। इसके बाद मैंने बताया था वर्ग का विकर्ण निकालने का फार्मूला, जो कि होता है √2 गुणे भुजा। तो कुल टोटल मैंने इतनी चीज़ें बताई थी मैंने आपको। मैंने कहा था कि आप अगली क्लास प्रोवाइड करूँगा मैं, तब मैं उसमें आपको आगे के फार्मूले बताऊंगा। देखिए, इसमें फार्मूले काफ़ी हैं, आपको उन फार्मूलों को पता होना चाहिए। इसमें सवाल भी काफ़ी हैं, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, चैप्टर है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। तो अपने कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाएं और समझें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा चैप्टर है वो है एरिया, और इसके हमें सूत्र पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मूलों की, जो कि हमारे फार्मूले चल रहे थे और वो कंप्लीट नहीं हुए थे पूरी तरीके से, वो उसे मैं कंप्लीट करा दूंगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैंने वर्ग के विकर्ण तक के फार्मूले आपको लिखवा दिए थे। अब देखिए एक फार्मूला, देखिए आपको ये फार्मूला भी पता होना चाहिए कि कमरे की 4 दीवारें होती हैं। आप तो जानते हैं, किसी भी कमरे में आप रहें या घर में रहें तो आप देखते होंगे एक दीवार इधर होगी, एक दीवार उधर होगी, ठीक है, चारों तरफ दीवारें होती हैं, हर साइड पर दीवारें होती हैं कमरे की। अगर आपसे कह दिया जाए इन चारों कमरों जो कमरे हैं इनकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसके फार्मूला यहाँ पर बताऊँगा मैं। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, नोट करेंगे फार्मूला, आप देखेंगे नहीं इसको, आप समझते चलिए और नोट करते चलिए। 2 गुणे लंबाई यानी कि L प्लस चौड़ाई यानी कि B गुणे ऊंचाई, मतलब 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। आप इसे नोट कर लेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। नोट करेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल की। त्रिभुज, आप सभी को त्रिभुज का सिंबल तो पता ही होगा। अगर कह दिया जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पता है किसी को? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा और त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लूँगा। तो ये हमारा फार्मूला कम्प्लीट हुआ है। अब अगले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला फार्मूला त्रिभुज से संबंधित। ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालने को कह दिया जाए तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, √3/4 क्रॉस भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे आप, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होगा? √3/4 क्रॉस भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। अब देखिए
अब हम आते हैं समांतर चतुर्भुज के फॉर्मूले पर। समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालने को कह दिया जाए अगर हमसे कह दे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए तो आप इसको कैसे निकालेंगे। देखिए ये होता है आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने को कह दे तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे आधार गुणे ऊंचाई का। इसके अलावा यदि आपसे कह दिया जाए कि समचतुर्भुज, आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए तो आप उसको कैसे निकालेंगे। देखिए यदि आपसे कहता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं तो आप कैसे किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए एक बटा दो गुणे विकर्णों का गुणनफल, एक बटा दो गुणे विकर्णों का गुणनफल, ये फार्मूला लगाएंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये फार्मूला किस चीज़ का है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हम लगाएंगे एक बटा दो गुणे विकर्णों का योगफल, विकर्णों का गुणनफल, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम इस फॉर्मूले पर कि देखिए ए भुजा वाली, नोट करते रहेंगे, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतावृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये क्या, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए अपॉन टू रूट थ्री। जान गए, अगर ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज है तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है आपको, तो किस फार्मूले का यूज़ करेंगे, ए अपॉन टू रूट थ्री, ये फार्मूला हो जाएगा। इसे आप नोट कर लें, आप नोट कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं फार्मूले की बात करते हैं। अब हम ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, इसका फार्मूला और क्या लगाएंगे, ए अपॉन रूट थ्री, ये फार्मूला है ए अपॉन रूट थ्री। उसमें क्या था, ए अपॉन टू रूट थ्री, ये अंतावृत्त की त्रिज्या थी, लेकिन अगर कह दिया था परिवृत्त की त्रिज्या निकालिए तो हम ए अपॉन रूट थ्री इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है एक बटा दो गुणे समांतर भुजाओं का योग, उसके बाद गुणे उनके बीच की दूरी। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है एक बटा दो गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला।
आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम, चलिए अब देखते हैं हम वृत्त के बारे में बात करते हैं। वृत्त के बारे में तो आपको बहुत से फार्मूले पता भी होंगे कि देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त होता है इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा अगर हमसे कह दिया जाए वृत्त की परिधि निकालिए, तो वृत्त की परिधि निकालने का फार्मूला आपको पता ही होगा टू पाई आर। टू पाई आर निकालने का मतलब वृत्त की परिधि निकालनी हो तो हमें फार्मूला लगाने पड़ेगा टू पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर है वृत्त की त्रिज्या, जहाँ आर क्या है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। इसे आप नोट कर लेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे और मैं आगे बढ़ता हूँ। बात चल रही है हमारी वृत्त की, देखिए अब देखिए अगर हमसे कह दिया जाए जो वृत्त की बात चल रही है, वृत्त के चाप की लंबाई, इससे आपको दिखता है अच्छे से चाप की लंबाई, इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला होता है टू पाई आर थीटा अपॉन 360, टू पाई आर थीटा बटे 360, ये फार्मूला लगाएंगे वृत्त के चाप की लंबाई को निकालने के लिए, जान गए, ये फार्मूला लगाएंगे वृत्त के चाप की लंबाई को निकालने के लिए। तो देखिए आपके जो फार्मूले हैं वो आपको पता चल गए हैं, तो ये कुछ इतने फार्मूले थे जो मैंने आपको लिखवाए हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप, ये देखिए संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला मैंने लिखवाया अभी आपको, समतल त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए भुजा वाली समांतर त्रिभुज के परिवर्तक की त्रिज्या, ये देखिए कई फार्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, इन फार्मूलों को आप नोट करेंगे। इसके बाद हम आज दो सवाल भी करवा देते हैं आपको, ठीक है, ये देख लीजिए आप। एक जैसे कि सवाल हमसे दे दिया जाएगा, ठीक है, ये सवाल है मेरा, ये एक आयत है, ये देख लीजिए, ये एक आयत है मान लिया, ठीक है, समझाई देता हूँ आपको। और इस एक आयताकार भूखंड है, अब जो इसकी लंबाई है ये है 15 सेंटीमीटर, ये जो इसकी चौड़ाई है ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई 15 है, चौड़ाई 8 मीटर में दी है, ठीक है, ये मीटर में है, इतना हमसे कह दिया गया है। अब कहता है ये देखिए विकर्ण है, ये विकर्ण है, अब कहता है इसकी भूखंड की लंबाई तो 15 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल निकाल के बताइए और इसके विकर्ण की लंबाई निकाल के बताइए, तो आप इसे कैसे लगाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन देखते हैं। कह दिया है इसने, क्या कहा है इसने कि क्षेत्रफल निकालिए इसका और इसकी लंबाई निकालिए, मेरे क्या कहते हैं विकर्ण की लंबाई, लंबाई विकर्ण की, ये पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल और लंबाई विकर्ण की, ये इसने पूछा है आपको, तो आप कैसे लगाएंगे इसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला आप सभी को पता होगा, मैंने अभी लिखवाया था कल, मैंने आपको कल बताया था आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला सबसे सरल होता है, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई मुझे दी है 15, देखिए लंबाई मुझे दी है यहाँ पर 15 और चौड़ाई यहाँ पर दी है 8, लंबाई 15 है चौड़ाई 8 है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं हम आयत का क्षेत्रफल,
फार्मूला क्या होता है? एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है? 15। चौड़ाई क्या है? 8। 15 अट्ठी 120, ये आ जाएगी। देखिए क्षेत्रफल होगा तो यहाँ पर इस वर्ग मीटर में आएगा, ये क्षेत्रफल हमारा वर्ग मीटर में आएगा। वर्ग पहले वर्ग लिखेंगे, और चूँकि लंबाई मीटर में दी है इसीलिए यहाँ पर मीटर, वर्ग मीटर, इसमें फार्मूला आएगा हमारा, ये इसका मतलब आंसर। अब आपसे इसमें एक चीज़ और पूछी थी, क्षेत्रफल के अतिरिक्त हमें बतानी थी आयत के विकर्ण की लंबाई। तो देखिए विकर्ण के लंबाई की फार्मूला, विकर्ण की लंबाई अगर निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा? आयत जो है इसके विकर्ण की लंबाई, ये निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट लंबाई यानी कि एल का स्क्वायर और प्लस लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो देखिए हमारी लंबाई क्या थी हमारे पास? 15। 15 का स्क्वायर करेंगे 225। चौड़ाई क्या थी हमारी? 8। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 64। इसको जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 289। इसका रूट कितना होता है? देखिए 17 मीटर। ये हमारा आ गया आंसर, विकर्ण की लंबाई 17 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है, ये हमारा आंसर हो गया है। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे, देख लीजिए आप। ये प्रश्न है हमारा, प्रश्न में बोले दे रहा हूँ, आप कैसे नोट करेंगे प्रश्न? अगर आपको प्रश्न नोट करना है तो देखिए नोट करेंगे। प्रश्न में लिखेंगे एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई बना सकते हैं आप प्रश्न। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। ठीक है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई बताइए। ये क्वेश्चन आपका बन गया, इसे आप सॉल्व नोट कर, मेरी आशा है कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। और ये देखिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल मैंने पीछे निकाला था और ये विकर्ण की लंबाई होगी। विकर्ण की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो इसे आप अच्छे से नोट कर चुके होंगे। ये देखिए अब जैसे कि मैंने आपको कुछ आकृतियाँ भी कल बताई थी, ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी मालूम होनी चाहिए। एक बात बता दूंगा आपको, आपके पास जो क्लास 8 की बुक होगी या किसी के पास आपके भाई पर जो भी पढ़ते हैं उनके पास क्लास 8 की बुक हो तो ठीक है। तो देखिए क्लास जो 8 की बुक है उस आप उसे भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्लास 8 की बुक को आप पढ़ते रहिए, उसको मतलब उसके 2-3 सवाल लगाते रहिए, क्योंकि वो अच्छी बुक है, मतलब बेकार नहीं है वो, जान गए। उसमें पाइथागोरस प्रमेय भी होगी, आपको पाइथागोरस प्रमेय भी मालूम होनी चाहिए। उसमें जो चैप्टर आते हैं क्षेत्रफल के, तो उसको आप लगाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वो लगाएंगे तो कक्षा 8 के स्टूडेंट हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसको आप लगाइए, मतलब वो बुक को आप मतलब उसमें इस टाइप के सवाल काफ़ी मिलते हैं। तो आप जो क्लास 8 की बुक है उसको मतलब देखते रहिए अच्छे से। और इसके अलावा जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक से करवाता हूँ, ठीक है। तो उसमें इस टाइप जो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है इसमें मेरे हिसाब से जो मैंने 7th 8th किया था उस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, जान गए। तो आपको क्लास क्या करना है, क्लास 8 की बुक को भी पढ़ते रहना है, आप क्लास 8 की बुक जो है उसको भी अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि आप मतलब कुछ भूले ना। और आपको पाइथागोरस प्रमेय का भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी काफ़ी यूज़ होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नमस्कार।